Bismillah ar-Rahim. now that we have discussed all the three models in macroeconomics, specifically in the framework of aggregate demand and aggregate supply, now we are in a position to compare the outcomes, or policy outcomes in all the three types of models. So, the three models are traditional models. न्यू क्लासिकल मॉडल एंड न्यू कैंजियन मॉडल सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्कस वट ट्रेडिशनल मॉडल इज ट्रेडिशनल मॉडल मीन दैट इन विच एक्सपेक्टेशर अडेप्टिव और अडेप्टिव का क्या मतलब था ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि एक्सपेक्टेशन आर बैकवर्ड लुकिंग जो पिछली पास्ट इन्फ्लेशन रेट्स गुजरे हैं उनका एवरेज वैल्यू लें पास्ट इन्फ्लेशन रेट का इसीलिए मैं कह रहा हूं ये बैकवर्ड लुकिंग तो उसको हम फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन समझते हैं और इसमें अगर कोई पॉलिसी की प्रिडिक्शन हो कि फ्यूचर में पॉलिसी ऐसे चेंज होने जा रही है देन इट विल नॉट इफेक्ट योर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट क्योंकि प्रिडिक्शन फ्यूचर की है पॉलिसी के चेंज होने की जबकि अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आपकी जो एक्स इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन हैं वो पास्ट के एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट पे बेस कर रही उसके मुकाबले में जो हमारा न्यू क्लासिकल मॉडल था वो क्या है जिसमें एक्सपेक्टेशंस रैशनल हैं लेकिन रैशनल एक्सपेक्टेशंस के साथ जो मॉडल का सेटअप है वो अस्यूम करता है कि जो वेजेस और प्राइसेज हैं दे आर क्विकली एडजस्टेबल यानी कि जब भी इकॉनोमी में कोई चेंज आता है वो एक जो वेजेस और प्राइसेस हैं वो क्विकली एडजस्ट कर जाती हैं अकॉर्डिंगली जबकि जो फॉर एग्जांपल आपकी इकॉनमी में कोई इन्फ्लेशन का शौक आ जाता है जिससे कि कीमतें बढ़ती हैं तो उसकी वजह से वेजेस का जो बढ़ना है वो क्विक होगा उसमें डिले नहीं आएगा और थर्ड जो कि न्यू कैंजियन मॉडल है इस मॉडल के मुताबिक एक्सपेक्टेशंस आर अगेन रैशनल सो

वो फौरी चेंज नहीं होती तो ये इन तीनों का डिफरेंस हो जाएगा अब हम इस मॉडल में पॉलिसी का एनालिसिस करते हैं कि ये तीनों मॉडल्स को अगर हम कंपेयर करें पॉलिसी एनालिसिस में तो कैसे उनके इफेक्ट्स डिफरेंट आते हैं पॉलिसी के तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी के इफेक्ट ट्रेडिशनल मॉडल में क्या होंगे ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेकिन यहां पे हम इनको कंपेयर करना चाहेंगे तीनों मॉडल्स की आउटकम को तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिशनल मॉडल को मैं लेता हूँ तो ट्रेडिशनल मॉडल में हमारा एक लॉन्ग रन का वाई एन है जिसका मतलब यह है ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लायमेंट से कंसिस्टेंट आउटपुट का लेवल है जिसके ऊपर हमारा एग्रीगेट सप्लाई का वर्टिकल है और एग्रीगेट डिमांड का नेगेटिवली स्लोप्ड ए डी वन है और पॉइंट वन के ऊपर इनिशियल इक्विलिब्रियम है नाउ सपोज देयर इज एन एक्सपेंशनरी डिमांड शॉक जिसकी वजह से हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो राइट right साइड पे शिफ्ट हो जाता है ए डी टू पर तो चूंकि एक्सपेक्टेशंस एडेप्टिव हैं लोगों की एक्सपेक्टेशंस एडजस्ट नहीं करेंगी इस एग्रीगेट डिमांड के शिफ्ट होने की वजह से सो द न्यू इक्विलिब्रियम विल बी पॉइंट वन प्राइम जिसके ऊपर शॉर्ट रन में जो आउटपुट है वो नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट से ज़्यादा होगी और जो इन्फ्लेशन रेट है वो इनिशियल लेवल से ज़्यादा हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये एग्रीगेट डिमांड शॉक जो कि एक्सपेंशनरी था ये अगर मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से है यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी हो गई है तो इसकी वजह से आउटपुट के ऊपर उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं लेकिन अगर यही हम एनालिसिस न्यू क्लासिकल मॉडल में करें तो जहां पॉइंट वन प्राइम तक जाना है वहां तक तो वही चुके मॉडल की वर्किंग है मैं इसको रिपीट नहीं करता लेकिन पॉइंट वन प्राइम पे क्या होगा कि नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन विल एडजस्ट लोगों को पता चल गया कि मॉनिटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी हो गई है और इन्फ्लेशन रेट जो है वो आई एन एफ वन पे नहीं रहेगा सो दे दे रिवाइज देयर एक्सपेक्टेशंस अपवर्ड जो ही वो अपनी एक्सपेक्टेशंस रिवाइज करते हैं अपवर्ड यानी कि वो समझते हैं कि अब इन्फ्लेशन रेट ज्यादा होगा उससे जो हमने पहले से सोचा हुआ था देन दे विल डिमांड फॉर हायर वेजेस वो हायर वेजेस के लिए डिमांड करेंगे तो फर्म्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा और उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा जब वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हुआ तो इकोनॉमी पॉइंट वन प्राइम की बजाय पॉइंट टू पर चली गई वेयर देयर इज हायर इन्फ्लेशन रेट एट आई एन एफ टू बट आउटपुट इज एट नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज आउटपुट इज एट अ लेवल विच इज कंसिस्टेंट विद नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो इसका मतलब है पॉलिसी इन इफेक्टिव हो जाएगी नेक्स्ट अब हम देखते हैं न्यू केंजियन मॉडल में क्या होगा न्यू कैंसियन मॉडल में वन प्राइम तक मूवमेंट जो ट्रेडिशनल और न्यू क्लासिकल मॉडल में थी वो सेम ही है लेकिन जब अब लोगों ने अपनी एक्सपेक्टेशन रिवाइज की तो एक्सपेक्टेशन तो रिवाइज हो गई कि अब उन्होंने फ्यूचर के बारे में देख लिया कि एक्चुअल पॉलिसी जो हमने सोची थी उससे ज्यादा एक्सपेंशनरी है तो लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन अपने लेवल से ऊपर होगा इसका मतलब यह है कि उन्होंने एक्सपेक्टेशन तो एडजस्ट कर ली लेकिन जो वेजेस हैं दे आर स्टिकी वो एकदम से एडजस्ट नहीं होंगी जब एडजस्ट नहीं होंगी तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि वो एग्रीगेट सप्लाई कर्व लेफ्ट साइड पे तो शिफ्ट होगा लेकिन उतना नहीं शिफ्ट होगा जितना न्यू क्लासिकल मॉडल में शिफ्ट हुआ था और रिजल्टेंटली इकोनॉमी का जो इक्विलिब्रियम होगा वो टू जो पॉइंट टू है उससे थोड़ा सा राइट साइड पे टू प्राइम पे जाके फाइनल इक्विलिब्रियम अचीव होगा जिसके मुताबिक पॉलिसी इफेक्टिव हो जाएगी एक्सपेंशनरी पॉलिसी क्योंकि आउटपुट नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से जो कंसिस्टेंट लॉन्ग रन की आउटपुट है उससे ज्यादा होगी और इन्फ्लेशन रेट भी पहले से ज्यादा हो गया लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस उतनी नहीं है जितनी ट्रेडिशनल मॉडल में थी लेकिन न्यू क्लासिकल के मुकाबले में इफेक्टिवनेस ज्यादा है क्योंकि न्यू क्लासिकल मॉडल में इफेक्टिवनेस जीरो थी थैंक यू